आज ऐसी दो वारदात हम आपको बताने जा रहे हैं जो किसी भी सभ्य समाज पर सवाल खड़े करता है। हिंसा से भरे ये दोनों वारदात भले ही अलग अलग जगह के हो, लेकिन बात यहाँ यह है कि आखिर ऐसी हैवानियत क्यों? लोग ये कब समझेंगे कि ऐसी हिंसा के शिकार होने वाले लोगों पर क्या गुजरती है? देखिए रिपोर्ट। हिंसक भीड़ का खौफनाक चेहरा, डुमडुमा में मॉरल पुलिसिंग का मामला, सिला पथार में भी हिंसा के शिकार तीन बच्चे, फेसबुक में वायरल वीडियो ने मचाई सनसनी। एक सामान्य सी गलती और भयंकर सजा, इन मासूम बच्चों को एक सामान्य सी गलती की सजा भुगतनी पड़ी है। बीते 9 जून को सिला पथार के मध्य सीसी टेंगानी पंचायत के मेड डेबरा गांव में टेंगानी नदी किनारे ये तीनों बच्चे अपनी गाय चराने गए थे। उसी दौरान उन्हें एक ऐसी भयानक परिस्थिति का सामना करना पड़ा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। बच्चों को उग्र भीड़ ने सख्त सजा दी। वजह क्या थी यह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दे कि बच्चों पर हमले का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो जाने के बाद पुलिस ने हरकत में आते हुए खुद ही मामले की जाँच शुरू कर दी है और तीनों बच्चों को अपने जिम्मे में ले लिया है। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों बच्चों के साथ ऐसी क्रूरता? दरअसल घटना के दिन गाय चराने गए ये तीनों बच्चे नदी किनारे नाव से खेल रहे थे। इसी दौरान जगत पेगू नामक व्यक्ति ने तीनों बच्चों पर यह आरोप लगाकर उन्हें खदेड़ा कि नाव उनके द्वारा बिछाए गए जाल में फंस रही है। काफी दूर तक बच्चों का पीछा कर जगत पेगू नामक शख्स ने तीनों को पकड़ लिया और उन्हें कंटीली झाड़ियों में लपेट कर काफी क्रूर सजा दी। पास ही खड़े एक युवक ने यह दृश्य देखा और इसे न केवल अपने कैमरे में कैद किया बल्कि फेसबुक में भी अपलोड कर दिया। মানে লাঙি লাঙি এখন পাতিছিলে বুলি কৈছে, নাও খেলিছিলে নদী কিনাৰতো, সেইটো কাৰণে নদী কিনাৰত নাওখন খেলোঁতে লাঙিটো পাতিলে বুলি কৈছে। লাঙিটো পাতোঁতে সি কেদি কিনি দৰি বান্ধি হাতত বান্ধি মাৰিছে আৰু গছকি দিছে আৰু সি মাৰিছে, মানে কাঁইটটো তলত লগাই গৰি কাঁইটো আছিলে তাত লগাই আকৌ পিটিছে, হাত এখন এখন বান্ধিছে, তিনিজন ল'ৰাক মাৰি আছিলে। घटना के बाद तीनों बच्चों के अभिभावकों ने जगत पेगू नामक इस शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। बच्चों के परिवार ने दोषी को उचित सजा देने की मांग उठाई है। इधर ऊपरी असम के डुमडुमा में भी मॉरल पुलिसिंग का मामला सामने आया है। यहाँ भीड़ की हैवानियत के चलते एक युवक की मौत हो गई है। घटना डुमडुमा के बागचान थाना अंतर्गत कारजंगा बागपथार गांव की है। मृतक की पहचान शरद मोरान के तौर पर की गई है। पुलिस ने गंभीर हालत में युवक को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इस दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। वह युवक के साथ हुए बर्बर कांड का एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसके आधार पर पुलिस ने अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना ऐसी बर्बर घटनाएं समाज को कलंकित करती है, साथ ही हमें यह सोचने पर भी मजबूर कर देती है कि क्या यही है एक सभ्य समाज का वह कुरूप चेहरा जिसे ना तो किसी के जान की परवाह है, ना ही वारदात को अंजाम देने के बाद कोई पछतावा। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव।